नमस्कार, केएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। प्रत्येक वर्ष भविष्यवाणी क्षेत्र शुल्क पक्ष की पंचमी पर की जाती है भविष्यवाणी, लेकिन पिछले दो वर्षों से कोरोना के कारण जनता भविष्यवाणी सुनने नहीं पहुंची जनता, परंतु इस वर्ष कोरोना हम होने के कारण बड़ी संख्या में जनता भविष्यवाणी सुनने के लिए एकत्रित हुई। पिछले कई वर्षों से हो रही भविष्यवाणी 90% तक सत्य होती है। यही कारण है कि जनता बड़ी संख्या में भविष्यवाणी सुनने के लिए एकत्रित होती है। भविष्यवाणी में बताया गया कि तेल का भाव एक महीने बाद आसमान छू लेगा, वहीं गेहूँ के भाव 3,000 से 4,000 हो जाएंगे। चार बीमारियाँ विश्व में आएंगी, परंतु बीमारियाँ भारत देश में नहीं आएंगी। पहली वर्षा में बोनी ना कर तीन बारिश में बोनी करने से फसल अच्छी होगी, इस प्रकार की कई भविष्यवाणी की गई। मारे गए किसी महात्मा मारे गए तो मैं आखिरी जल में समा जाऊंगा, अवतार पूरा हो जाएगा। भगवान ने कहा कि आखिरी 3 लाभ होता है, अपनी दाद से मनुष्य को चलाते हैं और भूमि दाद जो काटते हैं मुसलमान और गुसाई, एक भूमि दाद और जल दाद। भगवान का अवतार पूरा हो जाता है तो जल में भगवान समा जाते हैं।